हेलो चिल्ड्रन, टुडे इन स्टार्ट लेसन फोर। लेसन फोर में हमें मैटर के विषय को पढ़ना है। व्हाट इज मैटर? मैटर का हिंदी होता है पदार्थ, और मैटर में हम लोग हमारा टॉपिक है थीम को स्टेट ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ की अवस्था। चेंज ऑफ स्टेट, मैटर द स्टेट में मतलब अवस्थाएं जो है, मैटर की जो स्टेट है लिक्विड सॉलिड गैस, ये भी है भी अपना फॉर्म चेंज करते हैं, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, ऐसे बनता है। इसके बाद सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, ये भी आप लोगों को पढ़ना है। यही फिर टॉपिक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर आपका 24, आप सब बुक ओपन कर लीजिएगा और निकाल लीजिए। देखिए लिख रहा है, देयर आर ए वैरायटी ऑफ थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों बहुत प्रकार की वस्तुएं हैं। वी सी पेपर, पेन, चेयर, डोर्स, विंडो, ग्लास एंड मेनी मोर थिंग्स। वी सी हम लोगों ने देखा है, देखते हैं, पेपर, पेन, चेयर, डोर, विंडो, ग्लास एंड मेनी अदर थिंग्स, इन सभी वस्तुओं को आपने देखा है अपने चारों ओर। ऑल थिंग्स हैव मास एंड टेक स्पेस, सभी के अंदर मास मतलब भार है और सभी स्थान को घेरे हुए, जगह को घेरे हुए। एनी थिंग दैट हैज मास एंड टेक अप स्पेस, वो वस्तु, एनी थिंग मतलब कोई भी चीज जो कि टेक अप स्पेस मतलब स्थान घेरती है, एंड हैज मास और उसमें भार है, वजन है, तो वो क्या है, उसे ही हम लोग मैटर कहते हैं, मतलब पदार्थ कहते हैं। सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस आर द थ्री स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड, लिक्विड और गैस, यही तीन मैटर के स्टेट अवस्थाएं। मैटर इज ऑल अराउंड अस, मैटर जो है चारों ओर है, हवा भी तो मैटर ही है, वाटर भी मैटर है, ये बुक्स भी मैटर है, ये बोर्ड भी मैटर है, तो मैटर इज ऑल अराउंड अस, हमारे चारों ओर मैटर है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल, सभी मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल कणों से बने हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स मतलब अणु या कण के कहा। इसके पैसे बाद एक्टिविटी टाइम में आप देख लीजिए, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स, नीचे दिए गए पिक्चर को ध्यान से देखिए और फिलर्स को भरिए। राहुल इज ड्रिंकिंग वाटर, वाटर इज ए, वाटर क्या है, तो लिक्विड है। आप देखिए, बंटी इज प्लेइंग विद फुटबॉल, एयर फिलर इन द बलून इज गैसेस, ऐड हो गए। सेकंड पे देख लीजिए, अक्षय इज प्लेइंग विद बॉल, अक्षय जो है बॉल से खेल रहा है। बैट इज है, बैट क्या है, सॉलिड, तो यहाँ लिक्विड, सॉलिड और गैस एक्टिविटी में दिया गया, भर दीजिए आप सभी और पेज टर्नर कीजिए और पेज नंबर आ गए 25 पर, और जानिए सेट ऑफ मैटर के विषय मतलब पदार्थ की अवस्था की। मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट, मैटर जो है तीन ही रूपों में, कौन कौन से रूप है वो, तो वो रूप है आपका सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, यही तीन आपका स्टेट है। द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर अरेंज्ड इन डिफरेंट वे, सॉलिड और लिक्विड और गैस का मॉलिक्यूल्स जो है, मतलब कण जो है, अलग अलग तरीके से अरेंज है। सॉलिड में देख लीजिए, पीछे में आप देख रहे होंगे किस प्रकार से अरेंज है मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड, मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, मतलब मॉलिक्यूल जो है सॉलिड में बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, इस प्रकार से बिल्कुल सटे हुए हैं, अलग अलग नहीं है। देखिए, और लिख रहा है क्लोजली पैक्ड, देयरफॉर सॉलिड आर यूजली हार्ड एंड फिक्स्ड से, सॉलिड जो है हार्ड होता है मतलब कठोर होता है, और उसका शेप जो है वो फिक्स्ड होता है, शेप एंड साइज जो है वो निश्चित होता है। वुड, सॉरी वुड, स्टोन, पेपर एंड बुक्स आर एग्जांपल ऑफ सॉलिड, सॉलिड के एग्जांपल कौन से हैं, वुड है, स्टोन है, पेपर है एंड बुक्स हैं, आर एग्जांपल ऑफ सॉलिड। बाय अप्लाइंग फोर्स सम सॉलिड कैन बी बेंड, ब्रॉक, कट और रेसर, मतलब अगर हम लोग
तो वो टूट सकता है पैन, मतलब उसमें मूवमेंट घुमा फेंक आ सकता है, कट सकता है, या फिर उसमें और छिल जा सकता है, छिल जा सकता है। लेकिन जो है सॉलिड का आकार निश्चित होता है, उसे हम काट के तोड़ के ही अलग आकार दे सकते हैं, जैसे 3D नहीं कर सकते। इसके अलावा राइट डाउन टू अदर एग्जांपल ऑफ सॉलिड, दो अदर एग्जांपल दीजिए सॉलिड का, एक आपका हो गया ब्लैक वुड, दूसरा हो गया पेट। अब देखिए लिक्विड, इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है लूजली पैक होते हैं, मतलब बिल्कुल सटे हुए नहीं होते हैं, लूज होते हैं, क्लोजली नहीं होते हैं, टाइटली नहीं होते हैं, लूजली पैक होते हैं लिक्विड। देयरफॉर लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, इसीलिए लिक्विड का जो है शेप जो है वो निश्चित नहीं होता है। दे टेक द स्पेस ऑफ कंटेनर इन विच वे दे आर पैक्ड, जिस भी बर्तन में रखा जाता है, जिस भी कंटेनर में रखा जाता है उसका आकार ले लेता है। दे कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक बह सकते हैं। वाटर, मिल्क, आयर एंड जूस आर एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड, ये सब जो दिए गए हैं, मिल्क है, वाटर है, जूस है, ये सब लिक्विड के एग्जाम्पल। तीसरा है नंबर 3 गैसेस, इन गैसेस मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड, लिक्विड में तो बस लूजली पैक्ड है, लेकिन एयर में गैसेस में क्या होता है वो वेरी लूजली पैक्ड है। Therefore, gases do not have fixed shape and size. इसीलिए gases का ना shape निश्चित होता है, ना shape size निश्चित होता है, और ना mass निश्चित होता है। जैसे कि picture में molecules and gas दिखाई है ना, they fill up whatever space is available to them. तो जहाँ पर भी जो स्पेस खाली रहता है उस जगह पे गैसेस जो है भरी हुई रहती है। Air is a mixture of gases. हवा क्या है? गैसों का मिश्रण, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ये सब गैसेस हैं जो कि हवा में घुले हुए हैं। टेबल देख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड और गैस, सॉलिड लिक्विड और गैस के बीच में क्या अंतर है। तो देखिए अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, पहले पिक्चर देख लीजिए, पिक्चर है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। सॉलिड लिक्विड में, सॉलिड में क्या होता है वेरी क्लोजली पैक्ड, लिक्विड में क्या होता है लूजली पैक्ड, और गैसेस में क्या होता है वेरी लूजली पैक्ड। इसके बाद शेप देखते हैं, सॉलिड में फिक्स्ड शेप, लिक्विड में नो फिक्स्ड शेप, और गैसेस में नो फिक्स्ड साइज, फिक्स साइज, सॉलिड का फिक्स साइज होता है, लिक्विड का ना साइज फिक्स होता है ना वैल्यू फिक्स होता है, और ये गैसेस का नो साइज फिक्स लिक्विड में फिक्स साइज होता है। लिक्विड आर एंड गैसेस कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लिक्विड एंड गैसेस कैन फ्लो फ्रॉम अनदर, सो दे आर कॉल्ड फ्लूइड्स। लिक्विड और गैसेस जो है मूव करती है, फ्लो करती है, इसीलिए इनको फ्लूइड्स भी कहा जाता है। अब देखिए चेंज द स्टेट, मतलब अवस्था परिवर्तन, मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ऑन हीटिंग और कूलिंग, मैटर जो अपने आकार बदलता है गर्म करने पर अथवा ठंडा करने पर। व्हेन वी कीप वाटर इन फ्रीजर, जब पानी को फ्रीजर में रखते हैं इट टर्न इनटू आइस, वो बर्फ में बदल जाता है। द प्रोसेस बाय विच ए लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, वो प्रक्रिया जिसमें लिक्विड जो है सॉलिड में बदल जाता है, स्टेट ऑफ हीटिंग कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। कूलिंग करने पर जब कोई भी चीज सॉलिड बदल जाता है तो उसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। व्हेन टेस्ट अलग कर रहे थे आप सभी, व्हेन वी हीट सॉलिड वैक्स को आप ले लीजिए, इट चेंज इनटू लिक्विड वैक्स, इसको हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। कैसे? जब हम उसे गर्म करेंगे। सिमिलरली व्हेन वी हीट आइस क्यूब और कीप आइस क्यूब आउट ऑफ द फ्रीजर, वेल जब हम लोग क्या करते हैं हीट करते हैं आइस क्यूब को, या फिर उसे फ्रीजर से बाहर निकालते रह देते हैं, दे टर्न इनटू वाटर, वे पानी का रूप ले लेते हैं।
प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, द प्रोसेस बाय विच ए सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड स्टेट ऑन बीइंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। वो प्रक्रिया जिसमें कोई भी सॉलिड चीज गर्म करने पर लिक्विड में बदल जाती है उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। मेल्टिंग मतलब पिघलना। व्हेन वी हीट वाटर, जब हम पानी को गर्म करते हैं, इट टर्न इनटू वाटर वेपर। पानी को गर्म होने पर किस रूप में बदल जाता है, वाटर वेपर। द प्रोसेस बाय विच ए लिक्विड चेंज इनटू गैस, वो प्रक्रिया जिसमें लिक्विड जो है वो गैस में बदल जाती है गर्म करने पर, ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवोप्रेशन। इसे ही वाष्पीकरण कहते हैं। आप देखिए जैसे लिखा है, व्हेन वाटर वेपर कूल डाउन, जब वाटर वेपर ठंडा हो जाता है, गर्म करने पर वाटर वेपर बन गया पानी। अब यही भाप स्टीम वो वाटर वेपर जब कूल डाउन होता है, द फॉर्म ऑफ वाटर, वो पानी का रूप ले लेता है। द प्रोसेस बाय विच ए गैस चेंज इनटू लिक्विड, वो प्रक्रिया जिसमें कि गैस जो है लिक्विड का रूप ले लेता है ठंडा करने पर, इसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। यही है फ्रीजिंग, मेल्टिंग, इवोपरेशन और कंडेंसेशन जो है चेंजिंग ऑफ स्टेट है। हीट करने पर क्या होता है, हीट करने पर इवोपरेशन होता है, हीट करने पर मेल्टिंग भी होता है, कूल करने पर क्या होता है, कूल करने पर होता है सॉलिड में चेंज हो जाता है, आइस में चेंज होता है। और अब जब गैस कूल होता है, जब गैस ठंडा होता है, वाटर वेपर जब ठंडा होता है, तो किस तरह होता है, लिक्विड। इसको कंडेंसेशन ये यानी क्या है, मेल्टिंग और हीटिंग, फ्रीजिंग और कूलिंग, इवोपरेशन और हीटिंग और कंडेंसेशन और कूलिंग। तो लेट्स रिकॉल, देख लीजिए आप सभी, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक अप स्पेस इज कॉल्ड मैटर। स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। कोई भी वस्तु जो जगह घेरती है और जिसमें भार है वो मास और वो मैटर है, तो स्टेटमेंट ट्रू। सेकंड है, वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर ऑन हीटिंग, वाटर वेपर जो है वाटर वेपर में बदल जाता है गर्म करने पर, ठीक है, सही है, ट्रू। नो नो, ये फॉल्स है, क्योंकि वाटर वेपर लिखा है वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर, सेकेंड वाला फॉल्स है। थर्ड, ऑन कूलिंग, कूलिंग सॉलिड बैग्स चेंज इनटू द लिक्विड बैग्स, नहीं, हीटिंग करने पर लिक्विड बैग्स जो है लिक्विड में चेंज हुआ सॉलिड बैग्स, तो ये फॉल्स है। थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर देख लीजिए, गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड स्टेट, तो ट्रू है, गैसेस का फिक्स्ड स्टेट नहीं है। लिक्विड कैन नॉट फ्लो, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि लिक्विड फ्लो करता है। तो ये सब हो गया, लेट्स रिकॉल। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे हमारा थर्ड जो टॉपिक है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। सम सॉलिड लाइक शुगर एंड सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, तो सॉलिड है जो कि पानी में घुल जाते हैं, जैसे कि नमक और चीनी, हम लोग रोज ही बोलते हैं। व्हेन वी ऐड सॉल्ट ऑन टू वाटर, जब हम लोग पानी में चीनी नमक को मिलाते हैं, एक बिकम साल्टी, पानी क्या हो जाता है, नमकीन हो जाता है, साल्टी हो जाता है। व्हेन वी ऐड शुगर टू मिल्क, जब हम लोग दूध में चीनी मिलाते हैं, एक बिकम स्वीट, दूध क्या हो जाता है, और मीठा हो जाता है। द सॉलिड दैट डिसॉल्व इन लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्ट। सॉलिड, वो सॉलिड जो कि लिक्विड में मिला है, अगर मान लीजिए शुगर क्या हुआ, शुगर हमारा हो गया सॉल्ट, मतलब वो पदार्थ हो गया जिसे पानी में घुलाया जाता है। द लिक्विड इन विच इज सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, वो लिक्विड जिसमें सॉल्ट को घुलाया गया वो क्या हो गया, सॉल्वेंट, जैसे कि वाटर या मिल्क, मिल्क और वाटर क्या हो गया, सॉल्ट, सॉल्वेंट हो गया। शुगर क्या हो गया, मान लीजिए इसमें शुगर को लिख दे, शुगर हमारा, शुगर हो गया आपका सॉल्ट, ये हो गया सॉल्वेंट। और वाटर क्या हो गया, वाटर क्या हो गया, ये हो गया आपका सॉल्वेंट, है ना। अब इन दोनों को जब मिला दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा, तो हमारा जो निकलेगा वो क्या होगा, वो होगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट को, सॉल्यूट क्या है, सॉलिड सब्सटेंस है, वाटर क्या है, लिक्विड है,
और इसको सॉल्वेंट का जिसमें कि घोला जाता है, पानी पानी में घोला जाता है सुए को। फ्रॉम एग्जाम्पल वेन वी डिजॉल्व वाटर इन मिल्क एंड सुए इज सॉल्वेंट एंड मिल्क इज सॉल्वेंट। अब देखिए द लिक्विड विच वी गेट वेन ए सॉलिड डिजॉल्व इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। वो प्रक्रिया लिक्विड वी गेट वेन ए सॉलिड डिजॉल्व, सॉल्वेंट लिक्विड जो है ये वाटर इसमें शुगर को ऐड किया गया, ये मिला दिया गया और जो परिणाम है वो क्या हो गया सॉल्यूशन। द स्वीट मिल्क इज अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर एंड मिल्क, द सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज कॉल्ड टू सॉल्यूशन। वाटर कैन डिजॉल्व मेनी थिंग्स इन इट हेंस इट इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी जो है पानी बहुत अच्छी से खोली जा सकती है और इसीलिए वाटर को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसमें याद रखिएगा ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। लिक्विड लाइक इंक एंड जूस ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर, पानी में घुल सकता है, इंक भी जूस भी मिल्क भी ये सब कुछ पानी में घोला जा सकता है। सम और देखिए लेट्स नाउ मोर में देखिए लिखा है सम गैसेस ऑल्सो डिजॉल्व इन लिक्विड, कुछ गैसेज जो है लिक्विड में घुली हुई जैसे पानी में कुछ गैसेज घुली हुई। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर, एक्वेटिक एनिमल ब्रेथ इन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। एक्वेटिक एनिमल जो है जो कि पानी में रहते हैं जलीय जीव उनको ऑक्सीजन मिलता है पानी में क्योंकि पानी में ऑक्सीजन घुला हुआ है। एरिकेट एंड हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं एरिकेट ड्रिंक जो है या कोल्ड ड्रिंक्स है या उनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिजॉल्व होता है जैसे हमारे ड्रिंक जो है पीछे होता है। तो ये तो आपका हो गया कि पानी गैस जो है पानी में भी घुला हुआ है और ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आपका तीनों टॉपिक जो है क्लियर हो गया, जो कुछ आपको समझ में नहीं आएगा पूछ सकते हैं और हम लोग आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ठीक है करेक्ट आंसर हम लोग देखें व्हाट इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, इनमें से क्या जो है सभी जगह मौजूद है सॉलिड लिक्विड गैस सॉलिड लिक्विड मैटर या वाटर। तो मैटर जो है सभी जगह मौजूद है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है ऑल मैटर इज मेड ऑफ टेनी पार्टिकल्स एंड कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, ऑल मैटर किसे बने मॉलिक्यूल्स से बने। थर्ड देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग हैज अ फिक्स्ड शेप एंड साइज, इनमें से किसका शेप और साइज दोनों फिक्स्ड है, एयर का नहीं है वाटर का भी नहीं है मिल्क का भी नहीं है लेकिन चेयर का है। नंबर फोर साल्टी वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्वेंट, साल्टी वाटर जो सोल्यूशन का एग्जाम्पल हो साल्टी वाटर हो गया तो सोल्यूशन तैयार है आपको। इसके बाद है आपका नंबर फाइव व्हेन वी हीट सॉलिड बेग्स इट टर्न इनटू सॉलिड बेग्स को जब हम हीट करते हैं तो किसमें क्या टर्न होगा तो लिक्विड में। तो ये आपका ठीक द करेक्ट कम्प्लीट हो नीचे के बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। देखिए मैटर में मैटर टेक अप क्या मैटर टेक अप स्पेस स्पेस या मास, टेक अप स्पेस एंड हिज मास। पेपर एंड स्ट्रॉ आर एग्जांपल ऑफ सॉलिड, देयर आर थ्री स्टेट ऑफ मैटर। नंबर फोर इन गैसेस मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड। नंबर फिफ्थ लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड साइज एंड शेप। ओके थैंक यू, आज के लिए इतना ही, आप लोग पेपर को पेक कर